इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हार के मुकाबला पहुंचा है भारत यहां पर. बांग्लादेश इज स्टिल अलाइव, दे आर लुकिंग टू क्वालिफाई. कैस्ट्रोल एक्टिव प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी एंड आवर डिजिटल स्पोर्ट्स रेडियो पार्टनर इज स्पोर्ट्स फ्लैशेस. ये मुकाबला किस तरीके का है ना, ये एशियन एनकाउंटर है. वैसे कहे तो डेविड वर्सेस गोलायत है, क्योंकि इंडिया कहां हारता है बांग्लादेश से. लेकिन सच्चाई ये भी है कि पिछला मुकाबला भारत हारा है और विजय शंकर को गवा चुका है. केएल राहुल की फिटनेस पे अभी भी सवाल या निशान है और केदार जाधव की बैटिंग पे, धोनी की अप्रोच पे, ये कई सवाल वो पिछले मुकाबले में निकल कर आए. और एच बैस्टन के मैदान पे ही ये मुकाबला, जहां पर आप इंग्लैंड के सामने खेले थे. और अगर ये वो यूज पिच पे मुकाबला रहता है, एक साइड की बाउंड्री बहुत छोटी रहती है, बांग्लादेश की बैटिंग अच्छी है, तो ये हो सकता है कि इस मुकाबले में थोड़ा सा रोमांच आए. क्योंकि बांग्लादेश लड़ेगा, वो लड़ता है, वो भिड़ता है, वो दिल भी जीतता है, कभी कभी मैच भी जीतता है. तो फिर आप इनसे थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि इस विश्व कप में सिर्फ एक बार 250 से ऊपर का टोटल सक्सेसफुली चेज हुआ है. इनफैक्ट 322 चेज कर दिए थे उन्होंने वेस्ट इंडीज के साथ. था टॉन्टन का जरूर मैदान था, लेकिन 43 ओवर में कर दिए यार, 6-7 विकेट उनके तब भी हाथ में थे. तो इस टीम की जो ताकत है वो उनकी बैटिंग है. तो बैटिंग से आपको थोड़ा सा इनसे बच के रहना पड़ेगा. और टॉस जीत के बैटिंग करना ये बड़ा नो ब्रेनर है बर्मिंघम के मैदान पर. इनफैक्ट पूरे इंग्लैंड में कहीं पे भी खेलो यार, टॉस जीतो बैटिंग करो, बैटिंग अच्छी करो. रोहित शर्मा ने शतक जड़ा पिछले मैच में, क्या एक और शतक की उम्मीद कर सकते हैं हम, मतलब कयास लगा सकते हैं. चाहता मैं हूँ, लेकिन उनके साथ कौन आएगा वो एक बड़ा सवाल, क्योंकि राहुल की फिटनेस पे सवाल है. और मैं चाह रहा हूँ कि राहुल फिट हो, क्योंकि अगर वो फिट नहीं है तो ओपन कौन करेगा बॉस? आपको दिनेश कार्तिक को खिलाना तो पड़ेगा, लेकिन क्या दिनेश से ओपन कराएंगे या ऋषभ पंत को ऊपर भेजेंगे? दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्योंकि मयंक अग्रवाल अभी उपलब्ध नहीं है. वो नहीं पहुंचे इंग्लैंड में, तो इस मुकाबले के लिए तो वो उपलब्ध है नहीं. मिडिल ऑर्डर में एक सवाल ये रहेगा जो बैटिंग अगर आती है, क्योंकि इंडिया को ये मुकाबला जीतना है और जीतेगा इंडिया, लेकिन उसके लिए बांग्लादेश की जो वीकनेस है वो उनकी गेंदबाजी, उसको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा. और एक्सप्लॉइट आप कैसे करेंगे कि आपका जो इंटेंट है शुरुआत से, जो इंटेंट दिखा नहीं था इंग्लैंड के साथ, भाई टॉस जीत के बैटिंग आ जाए तो उसी इंटेंट से खेलो. अगर 360 इज पॉसिबल, क्योंकि इस मैदान पे 360 इज अ पॉसिबिलिटी, 350 इज अ डेफिनेट रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी कीपिंग देयर बॉलिंग इन माइंड, तो फिर आप 310 पे सेटल मत होना, क्योंकि इस मैदान पे 310 बन सकते हैं. आपके पास चार बॉलर जरूर अच्छे हैं, लेकिन हार्दिक हैं बीच में और स्पिन. ये टीम आपकी टीम के या कहें इंग्लैंड के मुकाबले बेहतर खेलेगी. एक और चीज़ हो सकती है जो आप जहन में रखें, वो है कि वो एक साइड की बाउंड्री बहुत छोटी है. तो अगर आपको पिच दिख रही है कि शायद ज़्यादा स्पिन के लिए मदद ना करे, क्योंकि वो कवर में एकदम रखा है उसको, तो शायद तीन फास्ट बॉलर्स के बारे में आप सोच सकते हैं कि भूवी को खिलाएं, शामी को खिलाएं, बुमराह को खिलाएं. तो फास्ट बॉलिंग के साथ आप अटैक करें. एशियन टीम है ना, वो स्पिन अच्छा खेलती है. कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर कौन हो सकते हैं इस मुकाबले में? सी, विराट कोहली के 5 अर्धशतक हो गए हैं, 6ठा लॉ ऑफ एवरेजेस क्या आने वाला है? रोहित शर्मा 3 शतक जड़ चुके हैं, एक और शतक क्या वो जड़ सकते हैं? हु आई एम गोइंग विद, आई एम गोइंग विद जसप्रीत बुमराह. क्योंकि अगर इस मुकाबले को भारत को जीतना है ना, तो जसप्रीत बुमराह को ये मुकाबले में जबरदस्त करना पड़ेगा प्रदर्शन. सामने की टीम से आपको शाकिब अल हसन थोड़ा डर लगेगा. तमीम इकबाल इस मैच में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो भारत के खिलाफ अच्छा करते हैं. मुशफिकुर से बच के रहिए, क्योंकि मुशफिकुर बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग में ज्यादा आपको तंग नहीं करेंगे वो. लेकिन मुस्तफिजुर रहमान वो एक जेन्युइन थ्रेट है, आप उनको भी थोड़ा संभाल कर खेलिए. इस मुकाबले को जीतेगा कौन? देखिए, भारत जीतेगा, भारत क्वालिफाई करेगा. अब इसमें दिल और दिमाग की जद्दोजहद नहीं है जो पिछले मैच में थी. तो मेरे विचार में भारत इस मुकाबले को जीत जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा. बांग्लादेश इसके बाद क्वालिफाई नहीं कर पाएगा. सो दैट्स अनदर स्टोरी. क्योंकि कल जब भारत हारा इंग्लैंड के सामने, तो श्रीलंका का कैंपेन खराब हो गया. अब यहाँ पे अगर आप बांग्लादेश को हरा देते हैं तो बांग्लादेश का कैंपेन समाप्त हो जाएगा. बट देन सो बी इट, लास्ट हफ्ता है भैया विश्व कप का, किसी का कैंपेन कभी ना कभी तो होना है खराब. बांग्लादेश का इस मैच में होने वाला है ऐसा मुझे लगता है. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन घंटी बजा दो. क्योंकि जब आप ये देख रहे हैं ना, वी आर अ मिलियन स्ट्रॉन्ग. यस्टरडे वी वर 990, वी आर अ मिलियन स्ट्रॉन्ग फैमिली टुडे. थैंक्स अ लॉट.